चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से करारी मात देकर आईपीएल 2018 का खिताब अपने नाम कर लिया। इस मैच के हीरो रहे शेन वॉटसन और सुरेश रैना। चेन्नई की जीत का पल सबसे खास था क्योंकि धोनी खुद इसका इंतजार पिछले 2 सालों से कर रहे थे। हालांकि चेन्नई को जीत 1900 ओवर में मिली, लेकिन 18वें ओवर के बाद ही चेन्नई के खिलाड़ी डगआउट के सामने कुछ इस तरह से खड़े हो गए। ये सभी चेन्नई की जीत का बस इंतजार कर रहे थे क्योंकि जीत तो पक्की थी, एक शॉट लगाना बाकी था। सभी खिलाड़ी एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर खड़े थे और वहां ब्रेथवेट की बॉल के सामने थे अंबाती रायडू। रायडू ने पहली 2 बॉल पर कोई रन नहीं बनाया, लेकिन जैसे ही रायडू ने 3री बॉल पर चौका मारा, चेन्नई के खिलाड़ियों के साथ पूरा स्टेडियम झूम उठा। डगआउट में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े चेन्नई के खिलाड़ी मैदान की तरफ दौड़ पड़े। इस दौरान होड़ मची रही कि कौन खिलाड़ी सबसे पहले पिच तक पहुंचे और कौन सबसे पहले वॉटसन और रायडू को बधाई दे। इधर पिच पर रायडू और वॉटसन जश्न मना रहे थे और एक दूसरे से गले मिल रहे थे, और तभी सीएसके के खिलाड़ियों की फौज उनके पास पहुंच गई। बस फिर क्या था, सभी मैदान में ही नाचने लगे। मैदान में चेन्नई का एंथम बजने लगा और सभी खिलाड़ी डांस कर रहे थे। पूरा मैदान, पूरा स्टेडियम झूम उठा। हर तरफ सीएसके धोनी धोनी के नारे लग रहे थे। वॉटसन को सभी खिलाड़ियों ने उठा लिया और उछल उछल कर डांस करने लगे। सभी वॉटसन को गले लगा रहे थे। हालांकि इस दौरान वॉटसन काफी भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू भी निकल आए। उधर महेंद्र सिंह धोनी इस शानदार जीत के बाद भी एकदम अपने खास उसी अंदाज में दिखे। हालांकि धोनी इस तरह से थम्स अप करते रहे, लेकिन उनके चेहरे में इमोशंस साफ नजर आ रहे थे। धोनी को पिछले 2 साल से इसका इंतजार था और वो पल आ चुका था। धोनी इस पल को जी लेना चाहते थे। धोनी और सीएसके की टीम के साथ साथ इस पल को पूरे स्टेडियम ने जिया। पूरा स्टेडियम चेन्नई के खिलाड़ियों के साथ झूम उठा। स्टैंड में बैठी धोनी की पत्नी साक्षी और उनके दोस्त भी नाचते रहे, क्योंकि ये पल सबसे खास था, सबसे अद्भुत था, सबसे अनोखा था। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।